पंडित जी का बताया हुआ उपाय किया है और मैंने पशुपति व्रत भी किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मैंने व्रत किया है और जितनी बार किया है उतनी बार वो व्रत मेरा सफल हुआ है। पशुपतिनाथ का व्रत किया है मैंने और उसका फल भी पाया है। जो उपाय कर रहे हैं सब पूरा हो रहा है। जैसे इच्छा हो जाता है हम उसी प्रकार से उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि बाकी जो आडम्बर है आज की डेट में वो इनके में नहीं है। बहुत कृपा है मेरे शिव गुरु में, जो मैं मांगती हूँ वो पूरा होता है। बहुत बड़ी आर्थिक समस्या हल हुई है हमारी। पशुपति का व्रत कर रहे हैं, पूरी तरह से चेंज हो गया वो बच्चा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूँ प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। 7 दिनों तक भिलाई में होने वाले शिव महापुराण कथा में लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जनसैलाब यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। आज हम यहाँ पर आए हैं लोगों से बातचीत करने और जानने की किस तरीके से कथा में बताए गए जो विधि है और उपवास के लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो क्या उनके लिए काम करती है और किस प्रकार से उनके जीवन को उपवास ने बदला है। तो आइए चलते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये उपाय किया और क्या कुछ उनके जीवन में हुआ है। पंडित जी, कथा में जो उपाय बताते हैं, क्या आपने कोई उपाय किया और आपको क्या लगता है कितना काम करता है? जी हाँ, मैंने पंडित जी का बताया हुआ उपाय किया है और मैंने पशुपति व्रत भी किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मैंने व्रत किया है और जितनी बार किया है उतनी बार वो व्रत मेरा सफल हुआ है। मुझे मतलब बहुत ज्यादा आस्था है, इसीलिए मैं आज पंडित जी की कथा सुनने के लिए उपवास से यहाँ पर आई हूँ, 140-150 किलोमीटर दूर। ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई बात जो आपने, आपको लगा हो कि पंडित जी के उपवास के बाद ही सफल हुआ? आर्थिक समस्या हमारी बहुत बहुत बड़ी आर्थिक समस्या हल हुई है हमारी। मेरे मकान बनने का था, मैं मतलब बहुत सालों से भगवान को बोल रही थी मेरा मकान बनवा दो, लेकिन मतलब जब जो समय आता है भोलेनाथ उसको जरूर पूरा करता है। आप विश्वास करो, आप अपने मन में विश्वास करिए, भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करता है। उपाय के तौर पर आपने क्या किया है, मतलब पंडित जी ने क्या बताया था? मैंने तो सिर्फ पशुपति व्रत किया है, भगवान को एक लोटा जल लेकर जाती हूँ, रोज जाती हूँ, एक लोटा जल लेकर जाती हूँ, छोटे से चावल के दाने लेकर जाती हूँ और भगवान को एक दिया चास के आती हूँ बस, और सीधा भगवान को अपने हाथ जोड़ के विश्वास से बोलती हूँ भगवान मेरा साथ देना, बस मेरे साथ रहना, मेरे साथ देना। क्या लगता है आपको आगे आप उपवास करेंगे और भी आपकी जो मन्नतें हैं पूरी होंगी? बराबर बराबर, जब जैसे जीवन में समय आएगा उसके अनुसार मैं अपना काम करूंगी और भोलेनाथ से तो हमेशा विनती करूंगी कि भगवान सबको अच्छा रखे, सबको समृद्धि दे, सबको सुख दे, सबको शांति दे। कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा खरिया रोड से। पंडित जी अपने जो कथा में उपाय बताते हैं, क्या आपने कोई उपाय किया या उपवास किया है? पशुपतिनाथ का व्रत किया है मैंने और उसका फल भी पाया है। ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई बात या घटना या आपकी कोई मन्नत जो पूरी हुई आप बताना चाहेंगे? मेरे घर में मैंने पशुपति का पहला व्रत किया था, मेरे घर में चोरी हुई थी, लेकिन हम चारों को कुछ नहीं हुआ और नुकसान हमारा मतलब जान माल का नहीं हुआ, बाबा जी ने बचा लिया। उसका धन्यवाद करने में वहाँ भी गई थी, सीहोर। सीहोर आप गई थी, वहाँ आपने क्या कुछ देखा और वहाँ पे क्या कुछ हुआ? लोगों इतनी मान्यता, इतना विश्वास है लोगों का कि पत्थर को भी शिव मान के लोग वहाँ पूजा करके आ रहे हैं और लोगों की मन्नत पूरी हो रही। कुछ तो होगा, हिंदू धर्म का अगर बाबा जी इतना अलग जगा रहे हैं तो कुछ तो होगा। अगर 100 लोगों में 50 का भी हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हिंदू कम से कम जाग तो रहे। हमारे घर के बाजू में मंदिर था, हम जाते नहीं थे। आज हमारे बच्चे भी लोटे में पानी लेके जल चढ़ाने जा रहे हैं। किस प्रकार का उपाय आप लोग करते हैं, किस प्रकार की पूजा? पशुपति व्रत करते हैं, बाबा जी बोलते हैं एक लोटा जल वो चढ़ाते हैं। उन 108 बेलपत्ती नहीं है तो आप एक बेलपत्ती वहीं से उठा के चढ़ा दीजिए, उसका भी लाभ है, वो भी करते हैं जो वो बोलते हैं जो। और सबसे बड़ी बात, कोई खर्चे का घर नहीं बताते वो, जो आपके पास है, आपके आस पास है उससे ही आप करो, इसीलिए उसका फल भी मिलता है, क्योंकि बाकी जो आडम्बर है आज की डेट में वो इनके में नहीं है। आप कहाँ से आई है कि आप भी उपवास कर रही? खरिया रोड से आए हैं, साथ ही है। हाँ, सब साथ ही है। आपकी ऐसी कोई मन्नत या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो जो आपको लगता है उपवास के कारण ही बच गई या आप बच गए या आगे आपकी कोई मन्नत है ऐसी? हाँ, एक दो मन्नत तो पूरी हो ही है, जो और भी आए हैं भगवान से विनती करने कि जो भी है मन्नत वो पूरा हो जाए।
वो कोशिश में। पशुपति उपवास को लेकर आपकी क्या मान्यता है? पशुपति व्रत तो पहले लोग जानते नहीं थे, जब से गुरु जी का कथा सुनने लगे सबसे लोग पूरा विश्वास हो गया है और इस लोग को पूरा हो जा रहा है तो लोग करना चालू कर दिए हैं। है हाँ पूरा विश्वास है गुरु जी को, पूरा विश्वास है, जो बता रहे हैं सब, जो उपाय कर रहे हैं सब पूरा हो रहा है। आप कह रही थी बच्चे बच्चे भी श्लोक जानते हैं और लोटा में जल जा रहे हैं, हमारे मोहल्ले से हमारे घर के बच्चे लोग सब एक लोटा जल लेके जा रहे हैं शंकर जी ऊपर चढ़ाने, विश्वास है तो सब कर रहे हैं। ये जो क्राउड आप देख रहे हैं विश्वास का ही फल है, कुछ होगा। कहाँ से आए आप लोग, क्या आप लोग उपवास कर रहे हैं? रायपुर चंगोरा फाटक से आए हैं हम लोग, उपवास रह चुके हैं, दो बार रह चुके हैं, हमको इसके ऊपर बहुत विश्वास है और ऐसा लगता है कि हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ मतलब मिलेगा बाबा से, और बहुत अच्छे श्रद्धा और भक्ति से हम लोग इसको मानते हैं और हमें कुछ ना कुछ बाबा देते ही हैं। क्या इस बार भी कोई ऐसी मान्यता है और क्या आपने फिर से उपवास शुरू किया? अभी तो नहीं किए हैं और बाबा की कृपा से हम बहुत अच्छे से हैं अभी, पर इनका आशीर्वाद हम पर हमेशा ही है। अब किस प्रकार का उपाय पूजा में आप लोग किस प्रकार का उपाय बताते हैं पंडित जी और क्या कुछ करते हैं आप? बाबा हर समस्या का अलग अलग उपाय बताते हैं, जैसे कि किसी को और प्रॉब्लम है किसी को और प्रॉब्लम है, तो जो सब अपने अपने प्रॉब्लम जैसे रहते हैं ना उसके इसे उपाय करते हैं जी। जैसे कि ये भी बताया जाता है कि बेलपत्र में शहद लगाकर चढ़ाना या एक लोटा कुछ नहीं तो एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, इस प्रकार का क्या आपने कुछ कभी उपाय किया है? जी हम रोज करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बेलपत्ती भी चढ़ाते हैं, साथ लगा के भी चढ़ाते हैं, जैसे इच्छा हो जाता है हम उसी प्रकार से उसकी पूजा करते हैं। कड़ी धूप में पेड़ की छांव के नीचे इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो जो पंडित जी उपवास बताते हैं और उपाय बताते हैं काम करते ही होंगे। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं, कहाँ से आए आप लोग? कुर्सी पार चंद्रमा चौक से। पंडित जी जो उपाय बताते हैं अपने कथा के दौरान, क्या आपने कभी कोई उपाय किया या उपवास किया है? उपवास अभी तक नहीं किया हूँ। जी आप बता रही है कि आपने किया है, आपको क्या लगता है काम करता है आपका जो उपवास बताते हैं पंडित जी? हाँ पशुपतिनाथ उपवास किए हैं, सोमवार का सोमवार उपवास रहते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। क्या लगता है आपको जो पंडित जी उपवास बताते हैं? मन में शांति लगती है। पंडित जी जो उपवास बताते हैं उपाय बताते हैं उपवास में, क्या आप उपाय करती है और क्या उपाय रहता है वो? पंडित जी जो उपाय बताते हैं वो सही था कि मन में श्रद्धा रखो तो सबका मन पूरा काम होता है। व्रत के बताते हैं पंडित जी कि उपवास रहना है, पांच दिया है तो वहाँ जलाना है, एक दिया ले के दरवाजा पर जलाना है, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब भोग बना के यहाँ से ले जाना है तो तीन हिस्सा लगाना है, दो हिस्सा मंदिर में छोड़ना है, एक हिस्सा ले आके वही प्रसाद अपना खाना है, और जो पूजा का थाली रहता है सुबह वाला वही थाली फिर शाम को जाता है यहाँ से मंदिर में। तो एक बार किए थे, फिर दोबारा चांस है कि मैं करूँ, मैं पूरा हुआ था जी। मतलब आप पूरा विधिवत उपवास रखती हैं जी। क्या लगता है आपको उपवास से कोई फल मिलता है, सफल होता है? हाँ हाँ हुआ है आपका? हाँ। आपका कोई ऐसा मन्नत या इच्छा पूरी हुई है जी, या ऐसी कोई घटना आप बताना चाहेंगे? मैंने घर में परेशानी थी हमारे, मैं बोली हमारे परेशानी दूर हो जाएगा तो पशुपतिनाथ के व्रत, तो मेरी परेशानी दूर हो गई थी। आई अभी है तो मैं फिर बोली हूँ कि काम छूट गया है उनको, हो जाएगा तो फिर करूँगी। अब देखिए बाबा का, जैसे कि आप बता रही है कि मंदिर दो वक्त मंदिर जाना रहता है, भोग के साथ जाना रहता है जी, सुबह जाना है खाली पूजा करके आना है, और वही थाली लेके शाम को जाना है, तो शाम को प्रसाद बना के लेके जाना है, तो मैं दो तीन हिस्सा लगाना है, मैंने घर से तीन हिस्सा लगा के नहीं जाना है, मंदिर में जाके तीन हिस्सा लगाना है, तो दो हिस्सा वहीं छोड़ देना है, एक हिस्सा ले आना है, तो वही जब घर में आएंगे तो वही पहले प्रसाद खाना है, ओकरा बाद कुछ भी अपना खाइए, चाहे वही प्रसाद खा के रह जाइए वो आपके ऊपर है। क्या आगे भी आप उपवास रहेंगी, आपको लगता है कि आपकी इच्छा पूरी होती है तो? हाँ एक की थे पूरा हो गया, फिर सोच रहे हैं करने के लिए। कितने लोग आए, कहाँ से आए आप? हम लोग एक तीन आदमी हैं, हम लोग हासिम रोड से आए हैं। भिलाई हाउसिंग जी? हाँ नहीं है तो कृपा है इनके, बहुत कृपा है मेरे शिव गुरु में, जो मैं मांगती हूँ वो पूरा होता है, कृपा बहुत मैं मांगती हूँ। अब दुनिया माने ना माने वो अलग की बात है, माने हम मानते हैं, हम जो मांगते हैं पूरा होता है जी। आप कहाँ से आए, क्या आप भी उपवास रखती हैं? हाँ मैं रायपुर से आई हूँ,
पुरानी बस्ती से आई हूँ। मेरी बहन है ये, हम दोनों बहन आए हैं और ये गुढ़ियारी में रहती है जी। क्या मान्यताएं हैं आपके उपवास को लेकर? ऐसे तो जो भी मानते हैं पूरा हो रहा है जी। क्या अब तक आपकी कोई मांगी हुई इच्छा पूरी हुई है? हाँ हुई है, सभी मांगे जो भी मांगी वो पूरी हुई है जी। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि? विश्वास है मेरे को जी। किस प्रकार से आप उपवास रहती थी और क्या विधि थी और किस प्रकार से आप उपवास रहती थी? मैं पूरे श्रद्धा से रहती थी उपवास जी। क्या क्या उपाय आपने किए उपवास से? वो जो बताते महाराज जी वो पूरे की हूँ। बेलपत्र चढ़ाना? हाँ बेलपत्र जल चढ़ाना, पूरे दही दूध जो भी मुठा मीठे का भोग लच्छा है दिया जलाना, हाँ ये सब की हूँ मैं जी। आप बताएं आप किस प्रकार से उपवास रहती थी और क्या आपकी कोई इच्छा पूरी हुई है? मैंने तो आज तक उपवास नहीं किया है, सबका सुनती हूँ, लेकिन ये मान्यता है, मुझे भी विश्वास है कि इसको जो भी करता है इस उपवास को या इनके विधि को तो सबका पूरा होता है। मेरा देखा हुआ उदाहरण बहुत सारा है। उदाहरण आप बताना चाहेंगे? मैं अभी जस्ट उदाहरण बता रही हूँ। एक हमारी परिवार का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा गलत संगति में पड़ गया था, पीने खाने के संगति में, और अपना सर्विस वगैरह छोड़ दिया था। तो उसकी माँ ने व्रत किया और उसके वही मन्नत मांगी थी कि वो पीना छोड़ दे और किसी काम में लग जाए करके। तो पूरी तरह से काम मतलब छोड़ दिया है पीना खाना और वो खुद शिव भक्त हो गया है। अभी अपनी ऑटो लिया है खुद की और दिन भर ऑटो चलाता है, भक्तों को निःशुल्क ले जा रहा है ला रहा है, और व्रत करता है वो भी पाँच वो वाला सोमवार वाला पशुपति का व्रत कर रहे हैं। पूरी तरह से चेंज हो गया वो बच्चा। तो इसलिए मैं भी उन्हीं लोगों का सबका देख के मैं भी मतलब श्रद्धा मेरे में भी जागी। अभी तक मैंने उपवास नहीं किया है, लेकिन जो भी उनका विधि बताते हैं ना वो करती हूँ, तो निश्चित रूप से वो पूरा होता है, मतलब सक्सेस होता है वो। मैडम दो बच्चों के साथ नंगे पाँव आई हुई है, कहाँ से आई है, क्या आप उपवास करती हैं? कुर्सी पर से आए हैं जी। पंडित जी जो उपाय बताते हैं उपवास के दौरान, क्या कोई उपाय करती है, आपकी कैसी मान्यता है? बहुत अच्छी मान्यता है, जो भी उपाय करो उससे हमको बेनिफिट है, ऐसा करके भगवान की कृपा है, शिव जी की कृपा है। तो बच्चों के साथ आई है, इतनी धूप में आप आई है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा हो, मतलब आपकी मान्यता तो होगी? हाँ ना, पूरी होती है हमारी मान्यता। क्या कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी हुई आप बताना चाहेंगे? नहीं मैं तो उस चीज को नहीं बताना चाहूंगी। चलिए आपकी इच्छा जो शिव जी ने हमारा पूरा किया और आगे भी पूरे करेंगे हमारे लिए जी। कौन कौन आए आपके साथ? हमारी मम्मी है, हमारी सासू माँ है, सबको आए हैं हम लोग, मतलब पूरे परिवार के। हाँ पूरे परिवार के साथ। कहाँ से आए आप? हम यही भिलाई जुनवानी रोड के हैं जी। हाँ। पंडित जी कथा में बहुत से उपाय बताते हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, क्या आप उपवास रखती है या नहीं रखती, तो आपकी कैसी मान्यता है इसको लेकर? नहीं हमने भी उपवास किया है और मान्यता बहुत अच्छी है, भोलेनाथ सबका करते हैं भला और सब कुछ अच्छा होता है जी। आपकी आंखों देखी कोई कहानी या कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगा हो कि इन्होंने ये उपवास रखा तभी ये पूरा हुआ? नहीं वो तो भोलेनाथ धीरे धीरे सबकी कृपा पूरी करते हैं, तुरंत तो किसी का कुछ नहीं होता है, इसलिए ये नहीं बता सकते। नहीं ऐसी कोई घटना है आपने देखा हो कि इसने ये मांगा था और वो पूरी हुई उपवास करने से, ऐसा आप बताएं? कुछ बता। ये तो मिश्रा जी की ही कथा में हम सुनते हैं और मैं भी अपना मतलब जब से मिश्रा जी का कथा सुनने लगी हूँ तो मेरे स्वास्थ्य में बहुत कुछ सुधार हुआ है, इसलिए मैं भी मानती हूँ। कब से रह रही हैं आप उपवास? तो मतलब कथा मैं कोरोना काल की समय से सुन रही हूँ, तो उस समय से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं था, उस जब से सुनना चालू करी हूँ तो मेरे स्वास्थ्य में बहुत कुछ सुधार हुआ है, इसलिए मैं कथा पंडाल में अभी मतलब भोग लगाने के लिए अभी आ रही हूँ, 3 दिन हो गया मेरे को आते। मैं वो एक लोटा जल चढ़ा के बेलपत्री बस खाई हूँ। बेलपत्ता आप खाई है बता रही है, तो क्या बेलपत्ता को चढ़ाकर खाना होता है? शिव जी में चढ़ा के उसको औषधि के रूप में चढ़ा के उसको मैं खाई हूँ, मतलब खाना होता है, खाना होता है चढ़ाने के बाद खाना होता है उसको। आपके स्वास्थ्य में फर्क आया, आपको क्या लगता है कितना फर्क आया? बहुत कुछ, मेरा 80% स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं बहुत कुछ मेडिसिन खाती थी, वो मेडिसिन खाना मेरा बंद हो गया जी, बेलपत्र और आचमन लेने से जी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना, एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।